हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जीएस। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के टॉप 300 प्लस क्वेश्चंस जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं और आने वाली एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप कोई पेपर देने वाले हैं तो यहाँ से आपके कॉन्स्टिट्यूशन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इसी वीडियो से, सिर्फ एक वीडियो से। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, 1946 की। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946, और इसी की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी? तो ये 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी संख्या? 389। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए? यह 389 संख्या ये तब की है जब भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तब संविधान सभा में संख्या थी 389, और विभाजन के बाद भारत में कितनी संख्या रह गई? 299। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी? तो कितनी थी? 542, 542। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। इसका मतलब क्या है? जैसे आपने पढ़ा होगा कि हमारे अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में दिया गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्यों का संघ होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि राज्यों का संघ होगा मतलब भारत के अंदर बहुत सारे राज्य हैं लेकिन उन्हें अलग होने की इजाजत नहीं है। इसका यही मतलब है कि वो राज्यों का संघ होगा मतलब संघात्मक है। वो भारत के अंदर अगर कोई भी राज्य शामिल हो जाता है तो वो अपने आप से या कभी भी अलग नहीं हो सकता है। इसी का मतलब है कि वह अलग अलग होते हुए भी संघात्मक है और एकात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो ये हैदराबाद के थे जिन्होंने संविधान सभा की रियासत के थे जो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा थे जो सबसे ज्यादा बुजुर्ग थे संविधान सभा में, इसलिए इन्हें संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया था। ये भी याद रखिएगा क्योंकि ये अस्थायी सदस्य बने थे। और प्रथम बैठक कब हुई थी ये भी पूछा जा सकता है, तो 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अभी मैंने बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी सदस्य कौन बने थे तो ये भी आप आगे क्वेश्चन में इसको भी बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये थे वी एन राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य कब चुने गए? तो ये हैं स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब चुने गए थे ये? 11 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रारूप तैयार किसके द्वारा किया गया था? तो ये वी एन राव ने संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और प्रारूप समिति गठित कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे बी कृपलानी थे। नेक्स्ट, बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है जो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो ये अब याद रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बी आर अम्बेडकर ने भारत की संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो यह संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की कुंजी किसे कहा गया है? तो ये प्रस्तावना को यानी जो उद्देशिका है उसे ही संविधान की कुंजी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और ये धर्मनिरपेक्ष समाजवादी के साथ साथ एक और अखंडता शब्द भी जोड़ा गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये तीन शब्द 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़े गए थे, और कब? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन बहस हुई थी। नेक्स्ट, भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया, मतलब कब स्वीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी संविधान कब लागू हुआ था पूरी तरह से? 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट,
भारतीय संविधान का पिता किसे कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा है? तो ये वीयर ने कहा है। नेक्स्ट, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? अनुच्छेद 395 थे, अनुसूचियां 8 थी और भाग 22 थे। अब याद रखिएगा कि 395 अनुच्छेद तो अभी भी हैं और ये भाग भी अभी भी 22 हैं, लेकिन ये जो अनुसूची है ये अब 8 से 12 हो गई है। तो प्रेजेंट टाइम में 12 अनुसूची हो गई है, ये अब याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो ये 444 से अधिक है, 395 टोटल है, लेकिन उसके अंदर जो ए बी सी डी करके अंदर अंदर एक के अंदर सब कर करके बनाए गए हैं, उसके हिसाब से इसमें बताया गया कि 444 से अधिक हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 हैं, अभी मैंने बताया। आठवीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कुल कितनी है? तो 22 भाषा है। एक बात और याद रखिएगा कि इन 22 भाषाओं में अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है, ये अब याद रखिएगा। अंग्रेजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो भारत की अनुसूची की आठवीं अनुसूची में जो भाषाएं 22 दी गई हैं, इनमें अंग्रेजी शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य हैं। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? तो कितने राज्यों का था? टोटल मूल संविधान में 14 राज्य थे। नेक्स्ट, संविधान में देश का नाम क्या है? तो भारत अथवा इंडिया, ये अनुच्छेद एक में दिया गया है, दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है? तो ये भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। नेक्स्ट, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ दिया गया है? भाग 5 के अध्याय 4 में, भाग 5 के अध्याय 4 में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख दिया गया है। नेक्स्ट, संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? तो 15वें भाग में, संविधान के भाग 15 में निर्वाचन दिया गया है और भाग 18 में आपात उपबंध। प्रथम लिखित संविधान किसके द्वारा दिया गया है? तो ये अमेरिका के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो हमारे देश भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 2 में दिया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना किस तरह से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों के परिवर्तन करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो ये संसद कर सकती है। नए राज्यों के निर्माण और उनकी सीमाओं या नामों में परिवर्तन आदि सिर्फ संसद को करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? तो ये आंध्र प्रदेश है। कब गठित किया गया था, यह कब राज्य बना था आंध्र प्रदेश? 1953 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवां संविधान संशोधन 1956, ये सातवां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था, यह किससे संबंधित है? तो ये भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये फजल अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम राज्य का गठन कब हुआ था? 1956 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा पूर्ण राज्य किस संविधान संशोधन के तहत बना? तो ये 56वां संविधान संशोधन अधिनियम था और ये कब? 1987 में, इसी के द्वारा गोवा पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा कि इस 56वें संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा किस संशोधन के द्वारा दिया गया? तो ये 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का पूर्ण दर्जा किस संशोधन के तहत मिला? तो ये 69वां संविधान संशोधन है, 1991 में हुआ था। दिल्ली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता रहता है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की संप्रभुता कहाँ निहित होती है? तो ये जनता में, भारत की जनता में संविधान, भारतीय संविधान की संप्रभुता निहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था यानी कि इसे प्रशासनिक ढांचा का मॉडल भी कहते हैं, ये कहाँ से लिया गया है? तो ये कनाडा से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से प्रभावित है? तो ये ब्रिटेन के संसदीय प्रणाली से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार है, ये यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं और मौलिक कर्तव्य रूस से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निदेशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है,
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में कहाँ वर्णित है? कहाँ वर्णित है ये? तो ये भाग चार में है, नीति निर्देशक सिद्धांत, और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। और अनुच्छेद 51 का भी क्या दिया गया है, तो यहाँ पर ये मूल कर्तव्य दिए गए हैं क्वेश्चन। संविधान में आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं क्वेश्चन। संविधान में समवर्ती सूची का विषय कहाँ से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, संविधान की समवर्ती सूची का विषय। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है, यानी कहाँ से ली गई है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन किया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 368, और ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद को कौन सा अनुच्छेद संविधान संशोधन की शक्ति प्रदान करता है? तो मैंने अभी बताया, ये भाग 20 है, भाग 20 में दिया गया है अनुच्छेद 368। ने उसने संविधान का प्रथम संशोधन, संविधान संशोधन जो हुआ था उसका प्रथम कब, प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो ये 1951 में हुआ था। नेक्स्ट, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? तो इसमें संख्या कितनी है, राज्य सूची और इसमें जो भी ये दिया गया है ये विषयों की सूची में, तो इसमें 62 है राज्य सूची में, और संघ सूची में ये 100 हो गया है, अब 100 हो गया है, और ये कहाँ गया, ये समवर्ती सूची है, ये इसमें 52 विषय दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची के विषयों पर विधि निर्माण की शक्ति किसे प्राप्त है? तो समवर्ती सूची के जो विषय होते हैं उसे केंद्र और राज्य दोनों बना सकती हैं, लेकिन अगर केंद्र और राज्य के कानून में मतभेद हो जो भी बनाए गए हैं, तो जो केंद्र का कानून होता है वो मान्य होगा। नेक्स्ट, और यहाँ पर ये जो और दिया गया है, राज्य सूची में राज्य कानून बना सकती है और संघ सूची में संघ कानून बना सकती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन एवं पर्यावरण की सूची किस सूची का विषय है? वन और पर्यावरण, तो ये समवर्ती यानी राज्य और केंद्र दोनों कानून यहाँ पर बना सकते हैं। कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, शिक्षा समाचार समवर्ती सूची का विषय है, रेल डाक शिक्षा, रेल डाक व रक्षा ये संघ सूची का विषय है, और पंचायती राज ये राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है 11वीं अनुसूची। ग्राम पंचायत चुनाव में किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ग्राम पंचायत ये राज्य का विषय है, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर होती है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है, पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय किसकी रिपोर्ट पर शुरू की गई थी? तो बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट पर इसे शुरू किया गया था। नेक्स्ट, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? तो 2 अक्टूबर 1959 में नागौर के राजस्थान में सबसे पहले हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ये व्यवस्था लागू की गई थी। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम वो नगरीय व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत में किस नागरिकता का प्रावधान किया गया है, कैसी नागरिकता है? तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि भारत में सिर्फ एक ही नागरिकता दी जाएगी, जैसे अमेरिका में है, आप अगर आपने अमेरिका के बारे में जानते हो तो वहां पर राज्य का अलग से आपको नागरिकता दी जाएगी और केंद्र की दो नागरिकता होती है, उसे दोहरी कहेंगे, लेकिन हमारे देश भारत में एकल नागरिकता है, यानी सिर्फ भारतीय नागरिकता होती है। नेक्स्ट, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? तो मूल संविधान में 7 थे और वर्तमान में 6 हैं। जो संपत्ति का अधिकार है वो हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को मूल संविधान की सूची से हटाकर किस संविधान संशोधन के तहत विधिक अधिकार के रूप में कर दिया गया है? तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अब इसे अनुच्छेद 300 का में कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसके पास है? तो सिर्फ संसद कर सकती है मौलिक अधिकार में संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है? तो ये 11 है, और मूल कर्तव्य को किस संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, और 42वें संविधान संशोधन को ही मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं।
नेक्स्ट, मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम कब बना था? तो 1955 में बनाया गया था। प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ वर्णित की गई है हमारे संविधान में? अनुच्छेद 19(1)(क) के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में दी गई है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में दिया गया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। और 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किस संशोधन के तहत किया गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अब निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध अपराध है। किस संविधान संशोधन के तहत है ये? किस अनुच्छेद के तहत है? किस अनुच्छेद ये संविधान किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है? तो ये अनुच्छेद 24 के तहत 14 से कम वर्ष की आयु के बच्चों को जोखिम भरा काम करवाना अपराध माना जाएगा। और संसद के अंग कौन कौन से होते हैं? तो राष्ट्रपति होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, ये तीनों मिलकर संसद बनाती है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 5 वर्ष के लिए होता है। और राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो ये महाभियोग के द्वारा अनुच्छेद 61 के तहत, बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता रहता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 61 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाती है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग 14 दिन पूर्व उन्हें सूचित कर दिया जाता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है? तो ये पहले कम था, लेकिन अब ये राष्ट्रपति का 5 लाख है और उपराष्ट्रपति का 4 लाख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इनकी न्यूनतम पद के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो कितनी होती है? तो इन तीनों पद के लिए कम से कम 35 वर्ष का होना आवश्यक है। नेक्स्ट, लोकसभा कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के तहत उन्हें यह अधिकार दिया गया है कि वो लोकसभा को भंग कर सकते हैं। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। और अनुच्छेद 72 के तहत उन्हें मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार या कम करने या आजीवन कारावास में बदलने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र ऐसे न्यायाधीश जो राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया, तो वो कौन थे? वो एम हिदायतुल्लाह थे। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य लेते हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि जो संसद है वहां के जो लोकसभा और राज्यसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, प्लस इसके अलावा दिल्ली और पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली और पुदुचेरी, यहाँ के विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनके चुनाव में कौन भाग लेता है, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। तो जो संसद की लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, निर्वाचित प्लस मनोनीत जितने भी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के पास मनोनीत करने की शक्ति है? तो लोकसभा में 2 सदस्य और वो एंग्लो इंडियन के होने चाहिए, और राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति को मनोनीत करने का अधिकार है। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति इन सभी की राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली के तहत होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति किसकी सलाह पर करते हैं? तो ये प्रधानमंत्री से परामर्श करके राष्ट्रपति किसी भी मंत्री की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 56 के तहत की घोषणा कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करते हैं। किसी भी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई? तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन, जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो ये वी गिरी थे, प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? तो ये थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। और प्रथम महिला राष्ट्रपति भारत की कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। दोनों सदनों का अधिवेशन ना चल रहा हो तो अध्यादेश कौन जारी करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो राष्ट्रपति को उनके पद की शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? लेकिन संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। संसद का जब भी अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसे राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता होती है वो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं। ये आप क्लियर कर लीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? तो ये बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन कहाँ से दिया जाता है? तो संचित निधि के द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत किस राज्य में लागू किया गया? बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ये पंजाब में लागू किया गया था, और कब? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि क्या है? राष्ट्रपति शासन कहीं लगेगा किसी भी राज्य में तो 6 माह न्यूनतम होती है और अधिकतम 3 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उनका कार्यभार कौन संभालता है? तो उपराष्ट्रपति संभालते हैं, और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का पद संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो राष्ट्रपति का कार्यभार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के जो भी सदस्य होते हैं सभी, मतलब कि निर्वाचित और मनोनीत सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 74(1) में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम कौन करता है? तो ये प्रधानमंत्री करते हैं, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच की कड़ी का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और सहायककर्ता कौन होता है मंत्रिपरिषद का? तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है? विश्वनाथ प्रताप सिंह, जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया गया। विश्वास प्रस्ताव क्या है ये आप किसी बुक से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन है? तो ये मोरारजी देसाई है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी मतलब कांग्रेस के नहीं थे। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार कब भाषण दिया था? ये 1977 में ये जो अटल बिहारी वाजपेयी थे इन्होंने भाषण दिया था। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे वो कौन थे? पीवी नरसिंह राव। जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन उन्हें 6 माह के अंतर अंतर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट, पद से त्याग पत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे वी गिरी। अगला क्वेश्चन है,
एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये चौधरी चरण सिंह थे, जो एक भी दिन संसद नहीं गए थे। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो ये 3 अप्रैल 1952 को, और लोकसभा का गठन 6 मई 1952 को। ये जो लोकसभा होती है इसे निम्न सदन कहते हैं, और जो राज्यसभा होती है इसे संसद का स्थायी व उच्च सदन कहते हैं, जो राज्यसभा होती है। और लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? तो लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, और जो राज्यसभा है उसकी अधिकतम सदस्य संख्या 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है, और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें 30 सदस्य होते हैं, और सभी सदस्य लोकसभा के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 25 वर्ष होती है लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु सीमा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है संकट काल की स्थिति में। लोकसभा की अवधि जो होती है वो 6-6 माह के अवधि में बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली बार विपक्षी दल के नेता को मान्यता कब दी गई थी? तो 1969 में विपक्षी दल के नेता को मान्यता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? तो ये थे कमलापति त्रिपाठी तथा राम सुभाग सिंह। जो राज्यसभा के थे वो थे कमलापति त्रिपाठी, और जो लोकसभा के थे वो थे राम सुभाग सिंह। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो संघीय मंत्रिपरिषद होती है वो पूरी तरह से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर लोकसभा भंग होती है तो संघीय मंत्रिपरिषद अपने आप ही भंग हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए आवश्यक जो संख्या होती है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ऊपर 110 सदस्य, 1/10 सदस्य उपस्थित होने चाहिए अगर लोकसभा की कार्यवाही आरंभ करनी है। मतलब 550 सदस्य जो हैं, ये 552 सदस्य हैं, तो कम से कम 56 सदस्य तो जरूरी है कि लोकसभा में होने चाहिए उसकी कार्यवाही के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे जीवी मावलंकर। और नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो 1/3 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा में प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाती है, और इनका कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष का होता है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो ये थी B.S. रामादेवी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? तो जो उत्तर प्रदेश है वहां से लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो ये लोकसभा में पेश किया जाता है वित्त मंत्री के द्वारा वार्षिक बजट। अगला क्वेश्चन, दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो ये IPC का आ गया है कहीं से, तो ये हत्या से संबंधित है। नेक्स्ट, धन विधेयक किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 110 में दिया गया है, और वित्त विधेयक 112 अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय सिर्फ और सिर्फ लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा वित्त विधेयक। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास कितने दिन के लिए रख सकती है? तो जो धन विधेयक होता है उसे राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रख सकती है। अगर 14 दिनों में वह उसे पारित नहीं करती है तो भी उसे राज्यसभा के द्वारा पारित माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी अनुमति लेना आवश्यक है? तो ये राष्ट्रपति की अनुमति होती है, जो नाम मात्र की होती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो राष्ट्रपति करती है अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। लेकिन अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो ये लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 153, ये इसका उप पार्ट 2 है। अनुच्छेद 153 के 2 के तहत
कोई भी व्यक्ति एक या दो राज्यों या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। जैसे प्रेजेंट टाइम में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यूपी और एमपी की जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो दोनों राज्यों की राज्यपाल हैं। प्रेजेंट टाइम से आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल की कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने का अधिकार किसको है? तो विधानसभा को है। नेक्स्ट, राज्य की शक्ति कहाँ निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। राज्य कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होते हैं। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? तो ये विधानसभा होती है। राज्य विधानमंडल का स्थायी व उच्च सदन कौन सा कहलाता है? तो ये विधान परिषद कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? विधानसभा में केवल एक सदस्यों को, और लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं कितने सदस्य? दो सदस्य, और राज्यसभा में 12 सदस्य। नेक्स्ट, विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो ये 6 तथा 50 है। ये 60 है, 60 तथा 50 वर्ष हो सकती है विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? तो विधानसभा के 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये विधानसभा के प्रति, जैसे ही जैसे जो केंद्रीय मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, उसी तरह से जो राज्य मंत्रिमंडल होती है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद तथा विधान सभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो 30 वर्ष विधानसभा के लिए और 25 वर्ष 30 वर्ष विधान परिषद के लिए और 25 वर्ष विधानसभा के लिए, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, उसी तरह से राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। तो ये आप केंद्र और राज्य दोनों से एक ही साथ कनेक्ट करके पढ़ा करिए। अगला क्वेश्चन है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के दो सत्रों के बीच का जो अंतराल होता है वो अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो 6, मतलब कि साल में कम से कम तो दो सत्र जरूर चलने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रति राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 170 के अंतर्गत किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो ये मुख्यमंत्री होते हैं। लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? तो ये 42वां संविधान संशोधन है जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर कितने माह तक बना रह सकता है? तो अधिकतम 6 महीने तक। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून कब पारित हुआ था? तो ये 1980 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो ये 6 वर्ष होता है, संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और मुख्य निर्वाचन आयोग दोनों का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल की उद्घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है? तो ये 1 माह के अंदर ही आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति संसद के द्वारा आवश्यक हो जाती है। प्रश्नकाल की अवधि कितनी होती है? 1 घंटा होता है। शून्यकाल कब होता है? तो ये प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो काल होता है उसे ही शून्यकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, 12 से 1 बजे तक का समय क्या कहलाता है? तो ये शून्यकाल कहलाता है। नेक्स्ट, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो ये दल बदल कानून से संबंधित है 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून को मान्यता किस संशोधन के तहत दी गई थी? तो ये जो 52वां संविधान संशोधन है इसी के द्वारा 1985 के द्वारा ही दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था? ये केरल में हुआ था, और कब हुआ था? 1957 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद भवन का रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो ये सर हर्बर्ट बेकर और एडवर्ड लुटियंस ने किया था। नेक्स्ट, संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था? तो ये 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। लॉर्ड हटा दीजिए, इरविन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सूचित अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा किस संशोधन के द्वारा प्रदान की गई थी? तो ये 8वां संविधान संशोधन था 1959 के द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो ये थी श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। नेक्स्ट, प्रसार भारती अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 15 सितंबर 1997 को। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के द्वारा बना था? तो ये 1973 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बने थे। अगला क्वेश्चन है, कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को किस अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया था? तो ये 1813 का चार्टर अधिनियम था। नेक्स्ट, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा माना जाने लगे? तो ये थे 1833 का चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत के गवर्नर जनरल माने जाने लगे। नेक्स्ट, विलियम बैटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कब बना? तो ये चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा। नेक्स्ट, गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कब किया गया? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया था। नेक्स्ट, द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू हुई थी तथा कब तक चली? तो ये 1921 से आरंभ हुई थी और 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। नेक्स्ट, पुनर्गठित संविधान सभा में कितने सदस्यों की संख्या थी? तो ये थी 299। नेक्स्ट, संविधान के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, प्रथम राजभाषा आयोग कब गठित हुआ था? तो ये 1955 में गठित किया गया था। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये बी जी खरे थे। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय को न्याय पुनरीक्षण का अधिकार कौन सा अधिनियम प्रदान करता है? तो अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये है अनुच्छेद 137। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 34 होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश तथा 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? तो प्रेजेंट टाइम में 25। संविधान की व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक कौन माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत। नेक्स्ट, प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये महान्यायवादी होते हैं। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ये हीरा लाल जी कनिया थे। नेक्स्ट, प्रारंभ में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों समेत कुल कितने न्यायाधीश थे? तो जब संविधान बना था तो उस समय ये 8 थे और अब कितने हो गए हैं? तो अब ये 34 हो गए हैं टोटल। नेक्स्ट, पंजाब हरियाणा की उच्च न्यायालय के अधीन कौन आते हैं? तो ये चंडीगढ़ आता है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन कौन आता है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह आता है। मद्रास उच्च न्यायालय के अधीन पुदुचेरी और केरल के लक्षद्वीप आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन कौन आता है? दमन द्वीप तथा नगर हवेली। नेक्स्ट, सर्वप्रथम भारत की उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ था? तो ये 1862 ईस्वी में हुआ था। कहाँ कहाँ पर हुआ किया गया था उच्च न्यायालय का, मतलब किन किन स्थानों पर हुए थे? 3 उच्च न्यायालय थे, कोलकाता, मुंबई और मद्रास में। तब बम्बई था और ये कलकत्ता था तब। नेक्स्ट, दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। अगला क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में और इलाहाबाद की 1866 में। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो उच्चतम न्यायालय के 65 ईयर है और उच्च न्यायालय का 62 ईयर। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा क्या होती है? तो अंग्रेजी है। नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण किस अधिनियम पर आधारित है? 1935 के अधिनियम पर। पी के थुंगन समिति कब गठित की गई थी? 1988 में। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड रिबन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित कब किया गया था? 1882 में। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का गठन कब किया गया था? 1977 में, और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 13 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? वित्त आयोग करता है। नेक्स्ट, अंतर राज्य परिषद का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में किया गया है। ये 1990 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट, लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? टोटल 22 होती है। लोकसभा की 15 और राज्यसभा की 7 होती हैं। संघीय न्यायपालिका का वर्णन कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 124 से लेकर
147 तक। नेक्स्ट अनुच्छेद 343 किससे संबंधित है? तो ये संघ की राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है? आपातकाल से। अनुच्छेद संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? तो ये अनुच्छेद 326 में दिया गया है। नेक्स्ट लोक अदालत की प्रथम बैठक कब हुई थी? 14 मार्च 1982 को, और ये जूनागढ़ गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 51 में दिया गया है। नेक्स्ट किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 50 में दिया गया है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण। अगला क्वेश्चन, अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये संघ सरकार को दिया गया है। नेक्स्ट संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार के निकाय हैं? तो ये सलाहकारी निकाय होते हैं। अगला क्वेश्चन है, देश के सार्वजनिक धन का संरक्षण कौन करता है? तो ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। नेक्स्ट नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष 6 साल होता है, और 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1926 में की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं तथा उनकी नियुक्ति? ये दोनों राष्ट्रपति करते हैं। ये अपना इस्तीफा भी राष्ट्रपति को देते हैं, और राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति भी करते हैं, यूपीएससी के जो भी सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 10 है। आम चुनाव, प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो ये 1951 और 52 में, यहाँ पर प्रथम है प्रथम आम चुनाव। नेक्स्ट राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? तो ये निर्वाचन आयोग करता है। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन थे? सुकुमार सेन थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में मतदान किया उसके साल से मतदान मतदान की आयु उसके साल से घटाकर 21 साल से घटाकर 18 साल की संशोधन के द्वारा की गई। तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा यहाँ पर 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई। नेक्स्ट राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो ये चीनी आक्रमण के समय 1962 में राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? तो ये 1975 में किया गया था। उस समय हमारे देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम की स्थापना कब की गई? 1687 में, और ये मद्रास में किया गया था। मद्रास में कब की गई? 1687। नेक्स्ट सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो गुजरात में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला लोकायुक्त कहाँ नियुक्त किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। काका कालेकर आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग कब तक थे? तो ये 13 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे। नेक्स्ट भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? तो सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना, मतलब भारत में जो भी धर्म है सभी धर्म समान है। नेक्स्ट गणतंत्र का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब होता है कि राज्य जहाँ पर एक अध्यक्ष का जहाँ पर जो अध्यक्ष होते हैं वो वंशानुगत रूप से नहीं होते, मतलब जो प्रधानमंत्री या जो राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति होते हैं वो वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा सीधे चुने जाते हैं। नेक्स्ट अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट राज्य के नीति निदेशक तत्व का एक ऐसा चेक है जिसे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है, तो यह किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड कानून लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है। नेक्स्ट नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में दी गई है? तो ये अनुच्छेद 44 में दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु जारी किया गया आदेश क्या कहलाता है? तो ये आदेश कहलाता है परम आदेश, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बंदी को 24 घंटे के अंदर न्यायालय 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने पेश करना का आदेश पेश करने के लिए जो आदेश जारी किया जाता है कोर्ट के द्वारा वह क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट सूचना के अधिकार का विधेयक कब पारित हुआ था? तो ये 2005 में पारित किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों, मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, जो भी अन्य न्यायाधीश होते हैं, टोटल 34 हैं, एक मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 33 न्यायाधीशों को शपथ ये मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को शपथ कौन ग्रहण करवाता है? तो ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करवाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता कब मिली? तो ये 14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली, इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य संघ की स्थापना कब हुई थी? तो ये 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं क्या क्या हैं? ये अंग्रेजी एवं फ्रेंच होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन है? ये कौन कौन से हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य हैं? चीन है, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका, ये 5 हैं। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग कौन सा होता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय होते हैं। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये 3 अप्रैल 1946 के हुई थी। और इस न्याय अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ये हेग नीदरलैंड में है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो ये अनंत सायनम आयंगर थे। नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषा कब जोड़ा गया था? तो ये 52वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जोड़ा गया था, बोडो, मैथिली, डोगरी, संथाली भाषा। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति कब दी गई? 22 जनवरी 1947 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1948 में पारित किया गया था। नेक्स्ट, भारत की आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ? 1950 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, और केंद्र स्तर पर जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं वो इसका निर्णय करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रेस परिषद का गठन कब किया गया? तो ये 1956 ईस्वी में किया गया था, प्रेस परिषद का गठन। अगला क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय यानी कि एससी और एससी न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट रिट कितने होते हैं? तो ये 5 होते हैं। कौन कौन से? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परामादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार पृच्छा, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो राष्ट्रपति के प्रति होती है, क्योंकि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो ये दिल्ली है, केंद्र शासित प्रदेश जिसका अपना स्वयं का न्यायालय है, बाकी किसी न किसी राज्य के अधीन ही आते हैं। नेक्स्ट, भारत सख सामवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया? 22 मार्च 1957 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना कौन सा होता है? चैत तथा फागुन होता है। मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो ये पिछड़ी जातियों से है, मंडल आयोग पिछड़ी जाति के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो ये एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की संख्या कुल कितनी थी? तो इसके लिए कुल 13 समितियां गठित की गई थी। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो टोटल 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। नेक्स्ट, राष्ट्रगान जनगण मन का भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकृत किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? तो 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। और ये जो भारत का राष्ट्रीय गीत था वंदे मातरम, इसे सर्वप्रथम कहाँ और कब गाया गया था? तो ये 1896 ईस्वी को भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो ये बंकिम चंद चटर्जी हैं। जनगण मन के रविन्द्रनाथ टैगोर, भारत का राष्ट्रीय फूल कमल होता है। पशु बाघ और पक्षी मोर, वृक्ष क्या है? बरगद है। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन के कितने माह तक रहता है? तो ये 6 माह तक रहता है वित्तीय आपात, लेकिन अभी तक भारत में एक बार भी वित्तीय आपात का लागू नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? 26 अक्टूबर 1962 को राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। नेक्स्ट, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? विधानसभा के सदस्यों का 1/3। अधिकतम 40 हो सकती है, लेकिन जो विधानसभा होती है उसके सदस्यों का विधान परिषद में 1/3 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट, विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष तथा 5 वर्ष, जैसे लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष। अगला क्वेश्चन, नागालैंड राज्य कब बना था? ये 13वां संविधान संशोधन के द्वारा 1992 में बना था। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी, और ये उत्तर प्रदेश की बनी थी। और महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम भारत की, ये सरोजनी नायडू थी, और ये भी उत्तर प्रदेश की थी। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी होती है? तो कोई निश्चित सीमा नहीं है राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु की। अगला क्वेश्चन, गवर्नर द्वारा जारी किया गया आदेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये विधानमंडल के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय ने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय अपने ही दिए गए फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो ये संसद के पास है। भारत सरकार के खर्च को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। राज्य सरकार धन विधेयक को कितने दिन तक रोक सकती है? तो ये 14 दिनों तक रोक सकती है राज्य सरकार धन विधेयक को। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी जो नामित की गई थी? तो ये नरगिस दत्त थी। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल कितना, अधिकतम कितना होना चाहिए? तो 6 माह, मतलब 1 साल में 2 सत्र जरूर जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। वह अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश से परामर्श ले सकता है। नेक्स्ट, लेकिन वह उसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को प्रस्तावित किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? ये प्रांतीय स्वायत्तता इसकी मुख्य विशेषता थी। नेक्स्ट, मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 25 मार्च 2013 को, और त्रिपुरा की 26 मार्च 2013 को। तो इस वीडियो में बस इतना ही।